क्या चल रहा है? क्या रहा है? हेलो, आवाज आ रही है? पेपर यस सर। हो गए तुम लोगों के? सर, सर 22 से 8 स्टार्ट। मार्च से स्टार्ट हो। 8 मार्च से स्टार्ट हो। कहाँ तक हो गया सर था हम अपना? हमारे 22 हैं। अच्छा, अपना हो कहाँ तक गया था ये बताओ पहले मुझे, थोड़ा आइडिया है? लास्ट रिएक्शन कहाँ तक? ओजोन लेयर से पढ़ा दिया था मैंने। सर यस यस सर। सर अच्छा, और मैंने वो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइलाइट पढ़ा दिया था। सर हेलोजिनेशन ऑफ एल्किन पढ़ा दिया था इस बार? ओजोन सर और ओजोन लाइसिस बना रहे थे अच्छा, वो हेलोजिन सर हेलोजिनेशन ऑफ रिडक्टिव ओजोन लाइसिस। अच्छा ये बताओ मुझे, हेलोजिनेशन ऑफ एल्किन पढ़ा दिया था? यस सर ठीक, मतलब ये वाली, यस ये वाली रिएक्शन पढ़ा देते हैं ना? ठीक है, ये वाली रिएक्शन हमने सर वो जो रखी। आपने वो जो लिया था ना सर क्विज, उसमें आंसर गलत लग रहे थे सर। कुछ नहीं थे उसमें, सारे एक आंसर सही गलत था, तो मैंने सही कर दिया। सर तो उसको मिले नहीं है सर, मैंने देखे थे नहीं मिले उसके नंबर। चलो देख लेंगे, आप आगे बढ़ते हैं, बाद में लेंगे। गए थे क्योंकि मेरी रैंक नीचे चली गई थी बाद में। आकाश, तुम बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन फिर भी अच्छी बात है, ठीक है? लेकिन आप फिर भी टॉप 10 में काफी देर तक रहे आकाश, मुझे अच्छा लगा मैंने कल देखा। चलो आगे बढ़ते हैं, मुझे आगे बढ़ते हैं। हमने डिडक्टिव ओजोनेसिस पढ़ा दिया था तुम्हें, ठीक है? आपने क्वेश्चन किए थे डिडक्टिव ओजोनेसिस के? बनाओ प्रोडक्ट, क्वेश्चन कराए थे मैंने डिडक्टिव ओजोनेसिस, बताओ भाई। यस सर करवाए थे। सर करो इसका, इसका क्या बनेगा, बनाओ प्रोडक्ट। बनाओ इसका प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या बनेगा बताओ? आप बाहुबली की तलवार उठाओगे, उड़ा दोगे? बिल्कुल डबल बॉन्डेड के टूट टूट जाएगा और वहां पे दो ऑक्सीजन आ जाएंगे। बिल्कुल, दो मोल मिल जाएगा। यहाँ पे बताओ क्या होगा, बाहुबली की तलवार उठा के ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दोगे, क्या बनेगा? डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी क्या आएगा, डबल। ठीक यस सर है, यहाँ भी क्या हुआ देखो, डबल बॉन्ड हो और यहाँ भी क्या आएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक करना, और क्या देना आपको, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे देना। अब देखो, हम आज देखते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनेसिस। क्या देखेंगे? ऑक्सीडेटिव ओजोनेसिस। तो याद रखना ऑक्सीडेटिव ओजोनेसिस में क्या होता सर 1 मिनट, अभी वो लिखा नहीं था। है। ये मैंने करा दिए थे ना क्वेश्चन सारे, पहले हाँ हाँ भी तो सर कराए थे। क्वेश्चन ही उतार रहा था सर, अच्छा, आंसर तो सर वो पहले करवाए हुए थे। हो गया सर। अब देखो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस देखते हैं, किसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस? देखो, जब आप समझना, यहाँ पे एल्कीन की रिएक्शन सेम ही होता है, O3 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 H2O2 लेते हो, तो क्या बनता है आपका, बॉन्ड ब्रेक करो और बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे, तो क्या बनेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा आपको कार्बोक्जिलिक एसिड। अब आप कहोगे सर कार्बोक्जिलिक एसिड कैसे मिला, है ना? तो देखो ऐसे मिला होगा, पहले तो बॉन्ड जब ब्रेक किया होगा तो बना क्या होगा, एल्डिहाइड बना होगा, ठीक है ना? एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, एल्डिहाइड का जब फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, कार्बोक्जिलिक एसिड बनता है। क्या बनता है यहाँ पे, कार्बोक्जिलिक एसिड। क्लियर हो गया? अच्छा, अब जैसे मान लो आप ये वाला लोगे, RC डबल बॉन्ड C CHRS, इसका आप ओजोनोलिसिस कराओगे, O3 CCl4 H2, तब क्या बनेगा, बॉन्ड ब्रेक करके क्या देंगे आप, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दो। तो सर यहाँ पे क्या, RCR डबल बॉन्ड हो प्लस, एक बनेगा R
COOH. कार्बोक्जिलिक एसिड बनता है। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो कीटोन होता है, क्या होता है, कीटोन, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखोगे, कीटोन का क्या नहीं होता है? फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। बोलो, इतना क्लियर सर? क्यों नहीं होता? अभी नहीं होता है, बिगरेस्ट कंडीशन पे हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे नहीं हो, लेकिन बिगरेस्ट कंडीशन लोगे तब हो जाएगा, अभी यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, मैं बिगरेस्ट कंडीशन भी जब अपन 12th में पढ़ेंगे कार्बोनिल कंपाउंड, जब बिगरेस्ट कंडीशन लेंगे तब वहाँ पे कीटोन का भी फर्दर ऑक्सीडेशन कर देगा। देखो O2 के वजह से है ना ऑक्सीडेशन। हाँ, H2O2। देखो क्या होता था। हाँ बोलो बेटा। सर ये पूरा होना चाहिए ना, O3CCl4H2O2 ऑक्सीडेटिव ओजोन में। जिंक नहीं होगा, जिंक आ जाए तो कौन सा हो जाएगा बताओ? रिडक्टिव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? याद रखना, बस यही अंतर है। अच्छा और देखो, क्वेश्चन करो, R C R डबल बॉन्ड C R डैश R डैश, इसका आप यदि ओजोन लिस्ट कर देंगे O3CCl4H2O2, तो बताओ क्या मिलेगा यहाँ पे? दो मोल R C R बॉन्ड ब्रेक करके आएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन चल, डबल बॉन्ड O प्लस C डबल बॉन्ड O R डैश, और यहाँ भी क्या आएगा? ठीक है। अच्छा यदि हम देखें, यदि हम यहाँ पे एक बात तो तुम्हें ये चीज क्लियर हो गई होगी, हम इसकी क्या, यदि देखो, यदि मैकेनिज्म देखते हैं, क्या देखते हैं? मैकेनिज्म। तो मैं यहाँ पे आपको दोनों ही मैकेनिज्म समझा देता हूँ ओजोनोलिसिस की, दोनों ही ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव भी, तो समझना यहाँ पे मैकेनिज्म में क्या होगा। पहले मैं ऑक्सीडेटिव समझा रहा हूँ, तो देखना यहाँ पे एल्कीन है, ओजोन का स्ट्रक्चर क्या होता है? ओ डबल बॉन्ड ओ ओ, यही तो होता है ओजोन का स्ट्रक्चर। तो देखो, जब एल्कीन पे, पहले स्टेप में एल्कीन पे क्या करता है? ओजोन अटैक करता है। ध्यान सुनना, ये ओजोन ने अटैक किया, मैंने स्ट्रक्चर से दिखा रहा हूँ, तो क्या होगा? ये इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है, और ये इस पे, तो क्या बनेगा यहाँ पे? ऑक्सीजन में प्लस चार्ज नहीं होगा, इस पे प्लस चार्ज लगा, ठीक है, खुश खुश रहो। अब बताओ, अब क्या बनेगा यहाँ पे? यहाँ पे जो बनता है इसको बोलते हैं अपन मोलोजोनाइट, बहुत ही अनस्टेबल होता है। क्या होता है? बहुत ही अनस्टेबल होता है, ये बनता है मोलोजोनाइट। क्या बोलते हैं इसको? परऑक्सीबॉन्ड होता है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? परऑक्सीबॉन्ड। क्या बोलते हैं? परऑक्सीबॉन्ड। ध्यान सुनना अच्छे से, ठीक है। अच्छा ये क्या होता है? मोलोजोनाइट, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल। तो ये कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ओजोनॉइड में। किसमें कन्वर्ट हो जाए? देखो ओजोनॉइड कैसे बनेगा, सी यहाँ पे ओ, यहाँ भी ओ, ये आपका किसमें कन्वर्ट हो गया? ओजोनॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो ओजोनॉइड कैसे बनेगा बच्चे पार्टी, देख लो यहाँ पे इस तरीके से, सी ओ ओ, ये आपका क्या बन गया यहाँ पे? ओजोनॉइड बन गया। अब क्या होगा? अब इसका क्या करा दें? अब हम इसका यदि हाइड्रोलिसिस करा दें, क्या करा दें? हाइड्रोलिसिस। देखो जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराओगे, याद रखना जो ए और बी माइनस है, जैसे ए प्लस बी माइनस, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे अनऑर्गेनिक, इसका हाइड्रोलिसिस करना है, एच प्लस ओ एच माइनस में ब्रेक होगा, तो एच प्लस कहाँ जाएगा? बी माइनस के बाद ओ एच माइनस किसके पास जाएगा? ए प्लस के पास। देखो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, यहाँ पे आपका मिल जाएगा डाइओन। ध्यान से देखना, एक ये मिलेगा, ठीक है, दो मोल। अब क्या होगा, एक ही कार्बन पे दोनों एल्कोहल लगे होंगे, तो आप क्या करोगे? H2 निकल जाएगा, है ना, तो क्या बनेगा? प्लस, यहाँ पे H2O2 भी लिख लेना, H2O2 भी है, तो क्या बनेगा यहाँ पे? यहाँ पे आपका बन जाएगा तो प्लस, और क्या बनेगा? ये मिल गया, बोलो क्लियर इतना सर? वो वाला स्टेप समझ में आया जो ओजोनॉइड के बाद वाला स्टेप है सर? ओजोनॉइड के बाद वाला, H2 वाला, दो किसी भी कार्बन पे जब दो OH लगे होंगे तो आप क्या करोगे? वहां से वाटर निकाल दो, अनस्टेबल होता है, तो क्या बन जाता है यहाँ पे? सर इसमें ये वाटर जो आया है ना, जो आपने ओजोनॉइड के बगल वाला स्टेप लिखा है, वो वाला सही नहीं है। अरे यार ये वाला मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये देखो अब ठीक है सर, ये जो OH OH मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे क्या जाएगा? H प्लस जाएगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे क्या जाएगा? OH, यहाँ भी कौन हो? Fe, H प्लस, और यहाँ पे क्या जाएगा बोलो? OH, OH। अब यहाँ भी बॉन्ड ब्रेक करो, H प्लस कहाँ जाएगा? ऊपर, OH कहाँ जाएगा? नीचे, समझ में आ गया ना?
यस सर, बोलो, OH और H प्लस, यही हुआ। अच्छा तो ये बन गया इस तरीके से, प्लस H2O2 बना। अब देखो मैं आपको बताऊं, यदि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा तो इसको क्या कर देगा, फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा। LDH को तो फर्दर ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, बताओ क्या बना देगा, जल्दी बोलो। कार्बोक्सिलिक लेकिन यदि रिडक्टिव होगा तो रिडक्टिव में क्या होगा, जेनेन रिएक्ट कर लेगा इस ऑक्सीजन से, किससे, इस H2O2 से, या इस नेसेंट ऑक्सीजन से, तो क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड बना देगा, या H2O2 लिख लो यहाँ पे। वो रिएक्ट कर क्या बना देगा, फर्दर रिएक्शन नहीं होने देगा, क्या नहीं होने देगा, फर्दर रिएक्शन नहीं होने देगा। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, H2O2, और क्या बना लिया उसने, ZnO बना लिया। इसीलिए वहां पे क्या बनता था, एल्डिहाइड बनता था। क्या बनता था बच्चा पार्टी, एल्डिहाइड बनता था, याद है, यस सर, ये होता था। इस चीज को क्लियर हो गया, इस ये मैकेनिज्म में आपकी पूरी इस तरीके से हो रहा है। पहले सर ये जिंक वाला स्टेप, देखो जिंक वाला ये है जो एच, ये मैं ये बोल रहा हूँ, ये रिडक्टिव के लिए होता है। ऑक्सीडेटिव के लिए तो यही होगा, फर्दर ये क्या होगा, H2O2 रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा इसको, फर्दर से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आपने पढ़ा होगा रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, पढ़ा है, बोलो, यस सर, है ना। तो ये कैसा है, ये आपका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, इसीलिए होता है, इसीलिए वहां पे एल्डिहाइड मिलता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, उस जिंक से कौन रिएक्ट कर लेता है, H2O2 रिएक्ट करके क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर, इसलिए फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। क्लियर हो गया इतना, सर ये ओजोनॉइड के बाद जो प्रोसेस हुई वो समझ नहीं आया। तो फिर से सुनो बेटा, ओजोनॉइड के बाद सिर्फ हाइड्रोलिसिस किया, हाइड्रोलिसिस में पूरी ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, एक बात ध्यान रखना, जो ज्यादा है, तो मान लो ए और बी ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बी से, ध्यान से सुनना, तो बॉन्ड ब्रेक करोगे, ए प्लस बी माइनस, अच्छा ए प्लस और हाइड्रोजन H2 ब्रेक करो, एच प्लस माइनस आना चाहिए ना क्या, सर, ए माइनस और बी अरे ए प्लस माइनस, ए कर लो, बी प्लस कर लो, इस तरीके से कर लो। तो ये ओ एच किसके पास जाएगा, प्लस के पास, एच प्लस किसके पास जाएगा, यस इस तरीके से आएगा। सर, लेकिन ओजोन में कैसे, ओजोनाइड में कैसे वो समझ नहीं आया। ओजोनॉइड में वही तो मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन, बोलो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पास क्या गया, देखो OH गया, ये ऑक्सीजन के पास क्या गया, एच प्लस, और कार्बन के पास क्या गया, बताओ, क्लियर OH, हो गया। OH पे चार्ज कितना था, माइनस था ना, यस सर। तो सर यहाँ पे सिर्फ OH के लगे, और भी तो OH गए थे वहां पे। यहाँ पे और भी तो OH लगे, तो यहाँ पे दो, एक कार्बन के साथ कितने OH आए, दो ही OH तो आए, ये बॉन्ड सारे ब्रेक हो गए। बस यस सर, ओके सर, आगे समझ। मैकेनिज्म याद रखो, ओजोनॉइड बनता है, इसका कोई यूज नहीं है, आपको प्रोडक्ट बनाना मैं सिखाता हूँ, प्रोडक्ट बहुत आसान है, आप इस मेथड से सर प्रोडक्ट बना लेंगे, बोलो। सर वो ओजोनॉइड में वो ऊपर कैसे चला गया सर। अरे बेटा ये अनस्टेबल था ना बहुत ज्यादा, इसीलिए इसने अपने बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, फिर से ये चेंज हो गया, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल था, तो इसने सर तो ओजोनॉइड कहीं बना और लिया। भी तो, मतलब और भी तो कहीं जा सकता था, वहीं बेटा चला। नहीं नहीं देखो ये चीज नहीं बोल सकते ना, मैंने क्या बोला, ये सब एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ठीक है, कैसा डाटा है, एक्सपेरिमेंटल। अब देखो या बस याद रखना, मैंने इसलिए बता दिया कि आपको क्लियर हो जाए, तो एक बात तो ध्यान रखना, जैसे मैं अब आपको क्वेश्चन दूं यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे से, तो आप कर लेंगे, थोड़े से आसान है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ऑक्सीडेटिव के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं सारे, बताओ करो क्वेश्चन क्या बनेगा, बनाओ। पहले वाले में 2 CH3 CH3 अभी बनाओ 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 बनाओ, मैं देखता हूँ। सर वो दूसरा क्वेश्चन अभी नोट डाउन नहीं किया था। अभी दे रहा हूँ, चलो फिर और लिख लो, पहले इतने लिख, हो गया, यस सर, करो और क्वेश्चन लिख रहा हूँ। बनाओ प्रोडक्ट, और
ओके सर, ठीक है, हो गया सर, कर लिया वाला। हाँ जी, कर हो गए? यस सर, यस सर। यहाँ पे क्या बनेगा, 2 मोल क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड मिलेगा। एसिटिक एसिड दो। यहाँ पे क्या मिलेगा, एसीटोन मिलेगा एक, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3 CH COH ये मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा, 2 CH3 CO CH3 दो मोल मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा, COOH, और यहाँ भी क्या मिलेगा, COOH। यहाँ पे क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड O और COOH। क्लियर, आगे बढ़े? यस सर। सर एक बार पिछले स्लाइड पे कर दीजिए सर, ये दूसरा वाला एक बार बता दीजिए। बे सिंपल सी बात है ना, ऑक्सीजन ब्रेक किया तो जो ये तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दिया तो ये अभी ये बनेगा, ये तो कीटोन बनेगा। कीटोन तो फर्दर ऑक्सीडेशन तो होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होकर क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। सर एक बार मैकेनिज्म से पहले वाला पेज लगा दो। हो गया सर, क्लियर? यस सर, ये आखिरी वाला क्वेश्चन बता दो। ये बेटा बॉन्ड ब्रेक करोगे, ये क्या है, एल्कीन है, तो यहाँ पे जब आपने बॉन्ड ब्रेक किया होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दिया होगा, तो ये तो कीटोन बनेगा ऊपर वाला। अब कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा नहीं, और इसका क्या बनेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा नीचे वाला। अब देखो, जैसे मान लो आपको टर्मिनल एल्कीन दे दे, सुनना है यहाँ पे, इसका मैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करा दूं तो क्या बनेगा, तब बनेगा आपका टर्मिनल एल्कीन का आर यहाँ पे आ जाएगा क्या, सी डबल ओ एच, एक मिलेगा सीओ टू। तब आप बोलोगे सीओ टू कैसे मिला, तो क्या हुआ होगा यहाँ पे, आप बोलोगे दोनों, एक तो सी डबल ओ एच, एक क्या होता है फॉर्मिक एसिड बना हुआ है, ये वाला क्या बना हुआ फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन होकर क्या मिलती है, सीओ टू गैस मिलती है, क्या मिलती है, सीओ टू गैस मिलती है। जैसे मान लो कोई भी एल्कीन ले लो, या मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यदि मैं इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करा दूं तब क्या बनेगा, बताओ बताओ क्या बनेगा सर। ये इधर अगर हम कराएंगे तो सर CH2 का जब हम कराएंगे तो पहले फॉर्मिक एसिड बना हुआ, फॉर्मिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो गया हो तो क्या बना हुआ, CO2 गैस। तो बस COS2 बनना चाहिए ना, अगर एक ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एक ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रहा, CO2 बनता है, CO2 निकल जाता है, प्लस H2 भी बनता है। ओके सर, यहाँ पे बताओ क्या मिलेगा, CH3 COOH प्लस CO2, यहाँ भी क्या मिलेगा बताओ, दो मोल क्या मिलेगी, बोलो भाई यहाँ तक क्लियर तो बताओ। सर ये ऑक्सीडेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड समझ नहीं आया। देखो याद रखना, जब फॉर्मिक एसिड का आप ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या मिलेगी आपको, हमेशा CO2 गैस मिलेगी। सर ये HCOH कैसे बना, COOH COOH कैसे बना, ये बोलो। यस सर, डबल दो ऑक्सीजन नहीं आनी चाहिए, एक ऑक्सीजन। पहले फॉर्मेल्डिहाइड बना हुआ, फॉर्मेल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हुआ होगा तो क्या बना हुआ बताओ। हाँ वो तो बन जाएगा, फिर सर उसके बाद ही फर्दर ऑक्सीडेशन क्यों करें, क्योंकि फॉर्मेट एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होकर क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, तो बना, तो उसके बाद भी ऑक्सीडेशन कर दिया ऐसे। तो आप H2O2 ले रहे हो ना, H2O2 कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। यस सर, जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो उसके पास तो नेसेंट ऑक्सीजन पड़े हुए है ना, तो ऑक्सीडाइज करता जाएगा ना। यस सर, जब तक कि आप वहां पे जिंक नहीं लाओगे। यस सर, एट लास्ट तक वो ऑक्सीडाइज करता रहेगा। इसे याद रखना पड़ेगा।
इथेनोइक एसिड को या प्रोपेनोइक एसिड इन सबको ऑक्सीडाइज क्यों नहीं करता फर्दर? नहीं, कर पाता फिर वो कार्बोक्जिलिक एसिड से फर्दर बनेगा ही नहीं, कुछ नहीं बनेगा। लास्ट वाला पेज दिखा देना एक बार। हो गया, और सर हो गया। फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीडेशन होके सीओ टू ही क्यों बना और कैसे बना ये नहीं पता। सीओ टू जो हुआ जो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या हुआ होगा, एच टी डबल बॉन्ड ग्रो ओ एच होगा, यहाँ पे एच टू निकल गया होगा, सीओ टू ने सेंट ऑक्सीजन में क्या बना लिया, सीओ टू बना लिया, सीओ टू कैसे बना, इस तरीके से आप देख सकते। ओके सर, अभी और अच्छे से पढ़ोगे जब आप 12th में आओगे, तब मैं ये रिएक्शन फिर से कार्बोक्जिलिक एसिड में पढ़ोगे, है ना, जब और अच्छे समझ में आएगी कि फॉर्मिक जो याद रखना, कीटोन का रूम टेम्परेचर पे क्या नहीं होगा बताओ, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। फॉर्मिक एसिड का क्या होता है, सीओ टू गैस होती है, ठीक है। एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी तो ऑक्सीडेशन बहुत पढ़ना है, अभी तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन पढ़ोगे 12th में, बहुत कुछ पढ़ोगे। अभी देखो, अब नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं हाइड्रोक्सीलेशन। तो हाइड्रोक्सीलेशन रिएक्शन पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है, जब आप एल्कीन की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन, एल्कीन की रिएक्शन आप ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड से कराते हैं, दूसरा किससे कराते हैं, आप H2O ले लें, या यहाँ पे लोग बाग लेते हैं एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या ले लेते हैं, एक्वस NaSCO3। तो क्या बनता है, डाइऑल बनाने का मेथड है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, एक बात ध्यान रखना, OSO4, OSO4 का यदि स्ट्रक्चर देखे तो ये होता है, आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ा ऑक्सीडेशन नंबर निकाला होगा, तो कितना आता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस 8, सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अच्छा, यहाँ पे जो OH का OH का एडिशन होता है वो कैसा होता है, सिन एडिशन होता है, कैसा एडिशन होता है, सिन एडिशन होता है, ठीक है, सिन मतलब बोले तो सिस एडिशन। अच्छा, इसकी मैकेनिज्म समझ लेते हैं, देखो मैकेनिज्म क्या होगी इसकी, यदि आप मैकेनिज्म देखोगे इसकी इस तरीके से लिखेंगे, जब आप एल्कीन की रिएक्शन ऑस्मियम टेट्रा, तो देखना है यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सा देखना, फंडा क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ देखो क्या बनेगा, जैसे अटैक किया तो बना ऑस्मिक ईस्टर बनता है, क्या बनता है यहाँ पे, यहाँ पे बनता है ऑस्मिक ईस्टर इस तरीके से, ओ ओ एस। जब आपने वो डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बनाया उसमें बीचों बीच क्या लिखा है, कहाँ बीचों बीच क्या लिखा मैंने, ये हाँ ये लिखा कुछ नहीं, बॉन्ड से ऑस्मियम, ऑस्मियम ओएस, तो देखो ऑस्मियम ये बन गया डबल बॉन्ड, ओ डबल, इसको ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है इसको, हाँ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है, इसका नाम है ऑस्मिक ईस्टर, इसका क्या बनता है, ऑस्मिक ईस्टर बनता है, आपसे क्या बनता है यहाँ पे, ऑस्मिक ईस्टर बनता है। अब देखो यदि हम इसका हाइड्रोलिसिस करा दें, क्या करा दें, हाइड्रोलिसिस करा दें, जैसे आप हाइड्रोलिसिस कराओगे H2O, देखो क्या होगा, फिर से वही बात होगी, H प्लस कहाँ जाएगा बोलो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास, और OH माइनस कहाँ जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास, यहाँ भी बॉन्ड ब्रेक करो H प्लस और OH माइनस, तो क्या मिल जाएगा आपको बताओ, आपसे फिर फर्दर आपको क्या मिल जाएगा, डाइऑल बनाने का इंटरमीडिएट, याद रखना क्या बनता है इंटरमीडिएट यहाँ पे बोलो, क्या बनता है, ऑस्मिक, इस बात को ध्यान रखना। इसका फर्स्ट स्टेप समझ नहीं आया, वो बता दो बेटा, फर्स्ट स्टेप में ये हो रहा है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो उस पर निगेटिव आएगा, जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बनाया, जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो उस पर क्या आया बोलो, निगेटिव और पॉजिटिव, फिर से इसने बॉन्ड बना लिया, तो यही तो बना ऑस्मिक ईस्टर, क्वेश्चन करो, जैसे क्वेश्चन दे दिए जाए, अरे बाप पिछले चेक कर दीजिए सर। बोलो बेटा। सर यहाँ पे डायोल के साथ भी तो कुछ और भी बनना चाहिए ना, ऑस्मिक का और मतलब और फिर से वही, फिर से वही बनना, उसको हमें साइड प्रोडक्ट से मतलब नहीं है यहाँ पे सर, हो गया, डायोल से मतलब है, नहीं हुआ सर, दो मिनट नोट डाउन कर दो। और सर ये एक्वस NaHCO3 के ऊपर क्या है, H2O ले लो, कोई भी ले लो आप, H2O, ओके सर, सर H2O भी ले सकते हैं, मतलब ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड की जगह, हाँ H2O भी ले सकते हैं, कुछ नहीं। अब देखो क्वेश्चन बनाओ, CH2 डबल बॉन्ड CH2,
आपको क्वेश्चन मिलेंगे जब आप कोई भी बुक लगाओ तो इसके क्वेश्चन मिलेंगे। OSO4 करो बनाओ प्रोडक्ट, क्या बनाओगे? बनाओ कैसा एडिशन होगा? अच्छे नहीं एडिशन होगा याद रखना। हो गया सर। क्या बनेगा यहाँ पे? डायोल बनेगा CH2OH, और यहाँ भी क्या बनेगा? CH2 बन गया। yes. अब यहाँ पे क्या होगा? दोनों सेम साइड OH है। यहाँ पे क्या होगा? सेम होगा, मैं मिथाइल आ जाएगा सर। यहाँ पे क्या बनेगा? CH3। ये क्वेश्चन अब तो आसान लगने लगे होंगे, सिन एडिशन एंटी एडिशन का मतलब समझ में आ गया होगा। सर ये अंदर की तरफ मिथाइल और हाइड्रोजन दिखाना नेसेसरी है? अंदर की तरफ नहीं, एक्चुअली वो इस तरीके से बने हुए बेटा, नेसेसरी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सिन एडिशन दिखाना ना आपको, ऐसा नहीं है। ये मिथाइल आपका इधर हो गया, OH आपका इधर हो गया, इस तरीके से है वो। यहाँ भी क्या है? हाइड्रोजन आपका क्या हो गया? यहाँ हो गया। OH आपका क्या हो गया? आप यहाँ तो कैसे बनाओ? ओके सर, सर यहाँ पे सिन एडिशन OH का होता है ना? OH की तो करा रहे हैं। सही, बस ये थर्ड वाला बता दो। थर्ड वाली तो बता रहा हूँ बेटा, तो यही तो बताया मैंने, जब आपने मिथाइल से कराया तो OH सेम साइड करा दो, चाहे सेम साइड एडिशन होगा तो OH का सेम साइड एडिशन करा दिया। अब देखो, जब देखो एल्कीन की रिएक्शन हम बेयर्स रिएजेंट से कराते हैं, किससे कराते हैं? बेयर्स रिएजेंट से। जैसे हम बेयर्स रिएजेंट से कराएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे? डाईऑल बनाने का, ये भी सेम ही मैकेनिज्म है, सेम है ना, और ये एल्कीन को डिस्टिंग्विश भी करता है बेयर्स रिएजेंट। तो देखो, तो यहाँ पे जो बेयर्स रिएजेंट मिलता है उसको क्या बोलते हैं अपन? कोल्ड बेयर्स रिएजेंट किसे बोलते हैं? आता है डायरेक्ट क्वेश्चन, बेयर्स रिएजेंट बताओ कौन सा हो? कोल्ड डायल्यूटेड स्लाइटली एल्कलाइन KMnO4। ठीक है, ये डाईऑल बन गया। अब इसकी भी मैकेनिज्म देख लेते हैं, देखो मैकेनिज्म क्या हुआ इसका, मैकेनिज्म देख लेते हैं। यहाँ पे सेम मैकेनिज्म है, जैसे आपने अभी यार ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की पढ़ी है, वही मैकेनिज्म सेम किसकी है? मैग्नीस एस्टर, इसकी भी सेम है। तो देखो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी, MN डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओके। देखो यहाँ पे हम देखते हैं तो क्या होगा, फिर से वही सेम, ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये स्पेट है, तो देखो क्या बन जाएगा आपका, आपका फर्दर क्या बनेगा? मैग्नीस एस्टर बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे? मैग्नीस एस्टर। देखो यहाँ पे क्या बनेगा? ओ ओ एम एन डबल बॉन्ड ओ, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीस एस्टर बोलते हैं।
तो देखो अब हम इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करा दें, क्या करा दें हाइड्रोलिसिस, फिर से वही होगा H प्लस ओ एच माइनस, H प्लस ओ एच माइनस, क्या बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे मिल जाएगा आपको डाइओल बनाने का ये भी मेथड। ये भी कैसा एडिशन होगा, सिन एडिशन, देख भी रहो सेम साइड से एडिशन, ये भी कहाँ, यहाँ भी कैसा एडिशन होगा एल्कोहल का, सिन एडिशन होगा, देख लो। सर यहाँ पर हमें कोल्ड डाइल्यूटेड और अल्कलाइन KMnO4 लेना जरूरी है, नॉर्मल KMnO4 उसी को तो बोलना है बेस रिएजेंट बोलते हैं उसको, क्या बोलना है उसको, बेस रिएजेंट सर, तो उसे कोल्ड रिएजेंट का बेटा नाम है बेस रिएजेंट, इस तरीके से लेना वो रिएजेंट, उसको हम चेंज ही नहीं कर सकते। KMnO4 यदि ले लोगे ऑक्सीडाइज कर देगा, अभी मैं दिखाऊंगा आपको K2Cr27 ले लोगे KMnO4 ले लोगे ये इसको कार्बोक्सिलिक कैसे कन्वर्ट कर देगा, जैसे ओजोन लेयर से पढ़ा था तुमने रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव ओजोन लेयर, सेम वही काम कर रहा है, बहुत स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है KMnO4, ये तो मैं भी पता होगा। यस सर, सर को बहुत पुराने जमाने में लाल दवा बोलते थे, जब कुआ होते तो कुआ देखिए कुआ होते थे तो वहां पे पानी वानी मतलब कीड़े वीड़े पड़ते तो उसमें क्या करते थोड़ा सा चुटकी भर KMnO4 डाल देते थे, जिससे क्या होते थे वो कीड़े मकोड़े मर जाते थे जो भी उसमें होते, लाल दबा बोलते थे, बहुत पुरानी है, बहुत पुराना है लाल दबा सर। इससे सर ये H2 से क्यों करवाए फिर बाद में, दोनों में करवाना पड़ेगा, कोल्ड डाइल्यूटेड है ना, डाइल्यूटेड H2O तो उसमें प्रेजेंट ही है ना, उसने हाइड्रोलिसिस तो किया ही। सर एक चीज बोलो बेटा, वो ओजोनॉइड वाला जो फेस था एक बार उस पे कर दीजिए। सर सर इसके अगला हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते करो, इसके भी क्वेश्चन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन मैंने बेस रिएजेंट से करा दी, तब क्या बनेगा, इसकी रिएक्शन मैंने बेस रिएजेंट से करा दी, तब क्या बनेगा, सेम वही ले लिया हमने फिर से, इसकी रिएक्शन हमने बेस रिएजेंट से करा दी, इसकी रिएक्शन हमने बेस रिएजेंट से करा दी, इसकी रिएक्शन हमने बेस रिएजेंट से करा दी, बनाओ पेपर। बन गया सर, सेम ही है OH CH2OH, यहाँ पे क्या आएगा CH3 CH2OH CH2OH, यहाँ पे क्या आएगा H OH, यहाँ पे क्या आएगा मिथाइल OH, अरे मिथाइल नहीं यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोनों साइड मिथाइल OH, इतना क्लियर? यस सर, यस सर। तो आगे बढ़ते हैं, हमने ये सब देख लिए,
अच्छा एक रिएक्शन और देख लेते हैं आपसे, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग की देख रहे हैं। तो अभी आल बट एक पूछा था ना, जब हम एल्कीन रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब हम एल्कीन की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या बनता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब आप बोलोगे सर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, तो देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप ले लें यहाँ पे K2Cr2O7H+ ले लें, K2Cr2O7H+ ले लें, ठीक है, या फिर आप H2CrO2H+ ले लें, ठीक है ना, या फिर आप KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+ ले लें, ठीक है, या आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस भी कराएंगे तो सेम ही प्रोडक्ट बनेगा, आप यहाँ पे ऐसे याद रख सकते हैं, है ना, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, या आप कंसेंट्रेटेड HNO3 ले लें, आप कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें तो क्या बनेगा आपको, आपको हमेशा क्या मिलेगा बोलो, आपको हमेशा मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जैसे अब आप सारी कंडीशन ले लेते हैं फिर से, यदि मान लो RCHR डबल बॉन्ड TH R डैश, इसकी रिएक्शन यदि आप क्या कराएं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराएंगे तो क्या बनेगा, सेम ही प्रोडक्ट बनेगा, RCR डबल बॉन्ड O+ इससे क्या बनेगा RCOOH, है ना। अच्छा हेलो दोनों, हाँ बोलो बेटा सर, वो पिछले वाले पेज में ये O3CCl4 के ऊपर क्या लिखा है, KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+, ठीक ठीक है, पहले समझ लो फिर लिख लेना, मैं से लिखने का टाइम दूंगा। अब देखो आप ये ले लिया हमने, कोई भी ले लिया, आप यदि ये ले लेंगे तब क्या बनेगा, सर कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं ना, हाँ कोई भी ले सकते, तो देखो जब आप यहाँ भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक तो मिल जाएगा कीटोन, एक मिल जाएगा, दोनों कीटोन मिल जाएंगे, एक क्या, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले इसको नोट कर लो फिर क्वेश्चन कराते हैं सर। सर 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 रिडक्टिव में जिंक को यूज करा था, कोई और मेटल यूज कर सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करना चाहिए, कर ले हां, और सल्फर भी ले लेते हैं बहुत से लोग, यस सर। सर ये सही है जो आपने करवाया है, ये सेकंड वाला इसमें जो पहला प्रोडक्ट बना वो कैसे बना बेटा, वही बॉन्ड ब्रेक हो गया जैसे ओजोनोलिसिस करते हैं ऑक्सीडेटिव, ये कार्बन की वैलेंस ही चार चार कर लेना बस, बोलो क्लियर, यस सर, यस सर। सर यहाँ पे हम HNO3 के जगह कंसंट्रेटेड HCl भी ले सकते हैं, नहीं 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 बेटा वो HNO3 है, आपने पढ़ा हुआ ना HNO3 है स्ट्रेस वो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे आप 12th में आओगे जब ऑक्सीजन सल्फर फैमिली पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है, या कुछ क्वेश्चंस कर लो यहाँ पे थोड़े से ये आपको प्रैक्टिस हो जाए, किसी भी आप स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराएं, KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+ कराओ, है ना, क्या बनेगा बोलो आपको एल्केन पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा एल्केन स्टार्ट करूंगा, एक रिएक्शन और पढ़ लेते हैं फिर अपन एल्केन स्टार्ट करेंगे, तो देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है, मैं क्या बता रहा था, ठीक है हाँ, एक रिएक्शन और देख लो, एक नेक्स्ट रिएक्शन एक आपकी, इसको बोलते हैं परऑक्साइड इफेक्ट, क्या बोलते हैं परऑक्साइड इफेक्ट, या हम इसी को बोलते हैं खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, ये सिर्फ आपका ब्रोमीन के केस में लगता है, किसके में HBr के केस में, आप जब एल्कीन की रिएक्शन HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड कराओगे, कोई भी परऑक्साइड ले लो, जैसे मैं एक परऑक्साइड में बता देता हूँ H2O2 ले लो, है ना,
आपने कोई भी परोक्साइड ले लोगे किसी भी परोक्साइड के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे जो Br का एडिशन होता है वो कैसा होता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल से एडिशन होता है। कैसे होता है? एंटी मार्कोनिक। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? यहाँ पे क्या परोक्साइड इफेक्ट? सर सिर्फ H2O2 लेना जरूरी तो नहीं है? नहीं नहीं, आप कोई भी बेंजोइल परोक्साइड भी ले सकते हो, बहुत सारे परोक्साइड, कोई भी परोक्साइड। HBr के साथ ही ऐसा देखा जाता है? हाँ, सिर्फ HBr के। हम वही में बताओ, यहाँ पे ना तो आपका HCl में लगेगा ना आपका HI में ये इफेक्ट लगेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपका Br के केस में ही क्या लगता है, ये इफेक्ट लगता है। याद रखना, जैसे मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, इसी इसमें क्या लग, कैसे एडिशन होता है H और Br का, कैसे एडिशन होता है? सर उनमें अलग हो जाएगा, तो एक ही ग्रुप के सुनो तो नहीं होता है। यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारी बातें मैटर करती है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक बहुत सारा मैटर करता है। अभी मैं उसका रीजन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल से क्या होता है, H और Br का एडिशन होता है, याद रखना। अब जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे दू CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। यहाँ पे यदि हम इसकी रिएक्शन HBr इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 कराएंगे तब क्या बनेगा, और यदि मैं इसकी रिएक्शन HBr से करा दूंगा तब क्या बनेगा, यदि हम इसकी रिएक्शन HCl से करा दें तब क्या बनेगा, इसकी रिएक्शन HI से करा दें तब क्या बनेगा, इसकी रिएक्शन HCl इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 से करा दें तब क्या बनेगा। एक ये करो, एक ये करो, याद रखना सिर्फ HBr के केस में ही परोक्साइड में लगेगा। क्या लगेगा? आपका HBr के केस में ही परोक्साइड इफेक्ट लगता है, और किसी भी केस में आपका क्या नहीं लगेगा, परोक्साइड इफेक्ट नहीं लगेगा। HBr H2O2 करो, HBr HCl HI H2O2 बनाओ प्रोडक्ट, दोनों रिएक्शन करो। सर बोलो सर, HBr के साथ तो मार्कोनिक ऑफ भी लग रहा था, तो पता कैसे चलेगा एंटी मार्कोनिक ऑफ लगा? एक परोक्साइड लिखा हुआ तब एंटी मार्कोनिक ऑफ, यदि आप HBr लिखा हुआ है अकेला तब आपको मार्कोनिक ऑफ ही लगाना। यदि परोक्साइड नहीं दिया तब तक कुछ नहीं करना। सर पिछली साइड कर दीजिए। सर ये कौन सा रूल है? इसको हम परोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं या क्रॉस इफेक्ट भी बोलते हैं। सर हो गई बनाया, बता तो यहाँ पे क्या होगा? AKR वाला पूछ रहा हूँ सर। AKR है एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है। अच्छा यहाँ पे क्या बनेगा बोलो? Br मार्क, अब तो मार्कोनिक ऑफ रूल से ही लगेगा, CH3 CH Cl, यहाँ भी क्या आएगा CH3 CH I CH3, यहाँ भी क्या आएगा CH3 CH Cl CH3, सिर्फ और सिर्फ किसमें लगेगा, HBr के केस में परोक्साइड, वो भी जब H2O2 दिया जाए तब, अपने मन से कभी नहीं मानना है। यहाँ भी देखो, यहाँ भी जब आप परोक्साइड इफेक्ट लगाओगे क्या बनेगा, आप यदि यहाँ भी परोक्साइड इफेक्ट लगाओगे तो यहाँ भी क्या लगेगा आपका Br आ जाएगा। यहाँ पे कहाँ Br लगेगा, यहाँ पे Br आ जाएगा। यहाँ पे कहाँ पे लगेगा Cl, यहाँ पे Cl आ जाएगा। यहाँ पे कहाँ पे आई लगेगा, ये लगेगा एच आई, कहाँ पर यहाँ भी आई कहाँ लगेगा, क्लियर इतना? यस सर। सर पीछे वाला पेज दिखा दो। सर इसके आगे वाला पेज कर दो, डाउन करना है कुछ। सर इसकी मैकेनिज्म नहीं है? मैकेनिज्म है बट मुझे बताना नहीं, जरूरत नहीं है। कितनी मैकेनिज्म याद रखो, अभी तो स्टार्टिंग है, बहुत मैकेनिज्म है रिएक्शन, अभी 12th में तो मैकेनिज्म ही मैकेनिज्म है। कितनी रिएक्शन याद रखोगे, जो इम्पोर्टेंट है मैकेनिज्म वो मैं बता दूंगा, जो इम्पोर्टेंट नहीं होगी वो नहीं।
सर अगर ये एच एफ होता तो एच एफ रिएक्शन नहीं करता, सिंपल फ्लोटिंग बनाने का डायरेक्ट मेथड कहीं नहीं है, क्योंकि हाईली एक्सप्लोसिव होता है, पढ़ोगे तुम अभी टेंस रिएक्शन जब हैलोजिनेशन ऑफ फैल्कन पढ़ोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। चलो हो गया, अब देखो अब हम देखते हैं एल्किन हेडिंग डालो, नया चैप्टर नया टॉपिक एल्किन। अभी तक अपन एल्किन पढ़ रहे थे, अब अपन एल्किन जो एल्किन और एल्काइन में बहुत कम रिएक्शंस हैं, ये नेक्स्ट एल्किन एल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एक दिन में खत्म हो जाएगा। अभी देखते हैं कितना होता है एल्किन देखते हैं। तो देखो एल्किन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस 2, ये किसका जनरल फॉर्मूला एल्किन का। अच्छा ये कैसे होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, कैसे बोलते हैं इनको सैचुरेटेड, कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में। अच्छा एक बात बताना, ये तो इतना क्लियर है आपको, अब यहाँ पे एक बात बताना C1 से C4 तक कार्बन कैसे होते हैं, गैसियस फॉर्म में होता है, चाहे वो एल्किन हो चाहे वो एल्काइन हो, C4 से C16 तक कैसे होते हैं, या C13 तक भी ले लेते हैं कोई भी किताब में, तो वो कैसे होते हैं बताओ, लिक्विड में, उसके अलावा सॉलिड में, ठीक है। अच्छा अब देखो जैसे हम बात करें यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज की, पहले बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की। C16 के बाद सारे सॉलिड होते हैं, हाँ C16 के बाद सारे सॉलिड होते हैं। मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अभी पहले अपन एल्किन बनाने के मेथड देख लेते हैं, प्रिपरेशन देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी बाद में देखते हैं। देखो पहला मैं प्रिपरेशन पढ़ा रहा हूँ आपको यहाँ पे, फ्रॉम रिगनार्ड रेजेंट, कहाँ से, फ्रॉम रिगनार्ड रेजेंट, आप हेडिंग डालो फ्रॉम रिगनार्ड रेजेंट, इसको गिगनार्ड पढ़ते हैं बहुत लोग लेकिन जी साइलेंट होती है, फ्रॉम रिगनार्ड रेजेंट पढ़ते हैं तो रिगनार्ड पढ़ा जाता है, रिगनार्ड रेजेंट। देखो रिगनार्ड रेजेंट में क्या होता है याद रखना, ये बनता कैसे, जब हम एल्का हैलाइड की रिएक्शन एमजी इधर से कराते हैं, ध्यान सुनना, एमजी इधर से करते हैं तो क्या बनता, RMgX बनता है, इसको बोलते हैं रिगनार्ड रेजेंट, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं रिगनार्ड रेजेंट। अब क्या होता है RMgX की, ध्यान सुनना, RMgX की यदि हम रिएक्शन, ध्यान सुनना, यदि रिगनार्ड रेजेंट की रिएक्शन यदि हम ऐसे कंपाउंड से करा दें जिसके पास कंपाउंड हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन, क्या उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तब क्या बनेगा आपका एल्किन बनाने का मेथड, क्या बनाने का मेथड है, एल्किन बनाने का, ठीक है। यदि ऐसा कोई भी कंपाउंड जब आप रिगनार्ड रेजेंट की रिएक्शन आप कंपाउंड हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन से कराओगे तो क्या बनेगा, एल्किन आपका बनेगा। जैसे देखो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दूं एक इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे मान लो मैं रिगनार्ड रेजेंट ले लेता हूँ यहाँ पे, इसकी रिएक्शन यदि मैं है ना किससे कराऊं, H2O से कराऊं, तो बताओ क्या बनेगा, ये माइनस होता है ये प्लस होता है ये फिर से माइनस होता है, इस चीज को ध्यान रखना। अच्छा बताओ H2O, यदि हम ऐसी की रिएक्शन NH इससे करा दूं, इससे फिनॉल से, तो बताओ क्या बनेगा। तो इनके पास सबके पास क्या है, जो एसिडिक हाइड्रोजन है ना, देखो आप इसकी रिएक्शन एल्कोहल से करा दो तब क्या बनेगा, किसी भी एसिडिक हाइड्रोजन से करा दो, आप H2S से करा दो तब क्या बनेगा, आप इसी की रिएक्शन D2O से करा दो तब क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, एल्किन, फिनॉल के पास भी क्या है एल्किन, यहाँ भी क्या बनेगा एसिडिक हाइड्रोजन एल्किन, अब देखो यहाँ पे D2O है तो D2O से क्या लेगा ये, बोलो भाई क्लियर रखना, तो बताओ सर एक बार पिछली स्लाइड कर दीजिए, वो देखना ये क्लियर सर, इस वाले कंपाउंड पे मतलब नेगेटिव चार्ज रहेगा होल, हाँ इस पे एक्चुअली ऐसा होता है, R पे माइनस होता है, इस पे प्लस होता है, इस पे माइनस होता है, सर मतलब पूरे पे नेगेटिव होगा, फिर पूरे पे नेगेटिव नहीं लेते आपको, इस तरीके से इसको लिखा ही इस तरीके से आप एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है, R माइनस अटैक करता है, अभी पढ़ोगे अभी आगे सर, ये RMgX पूरा जो है वही है ना रिगनार्ड रिएजेंट, हाँ रिगनार्ड रिएजेंट बोलते इसका नाम है, इसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्यों बोलते हैं देखो मैं बता देता हूँ, थोड़ा भी जब आप 12th में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तब देखोगे,
कार्बन और मेटल के बीच में जब बॉन्ड मिलेगा तो उसे क्या बोलते हैं अपन, ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड कंपाउंड। तो जो यहाँ पे आर क्या है, कार्बन ही तो एल्काइल है, एम जी क्या है मेटल, कार्बन मेटल के बीच में बॉन्ड मिलेगा तो उसे क्या बोलते हैं अपन, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। सर ये फिनोल कैसे हो रहा है समझ नहीं आ रहा। के पास क्या है, एसिड हाइड्रोजन है ना, ये देखो ये इस हाइड्रोजन को दे सकता है ना, यदि आप इसको लिखोगे इस तरीके से, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है ना, देखो एच प्लस, हमने एसिडिटी पढ़ाई थी ना आपको, यदि याद हो। जी सर समझ आ गया सर, H2O के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन होता है। हाँ H2O के पास नहीं होता, आपको पता है H2O एम्फोटेरिक नेचर का होता है, हैं पढ़ा होगा ना तुमने हाइड्रोलिसिस, यार इक्विलिब्रियम भूल गए तुम, हैं। हाँ सर ठीक है ठीक है सर, ये जो भी हाइड्रोजन नॉन मेटल से कनेक्टेड होगा वो होगा ना एसिडिक। हाँ नॉन मेटल वाली होगा वो, कौन से होगा सर, ये क्रिस्टलिंग रिएक्शन H2S से हुई है। इसके बेटा सर ये थर्ड वाला रिएजेंट क्या है, H2S, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, याद रख लोगे इतना। अच्छा अब देखो सर, मैग्नीशियम के जगह कोई और सेकंड ग्रुप वाला एलिमेंट यूज कर सकते हैं। नहीं बेटा, कि लेकिन नॉट एजेंट उसी को बोलते हैं, फिर वो चेंज हो जाएगा, अभी हम बुर्ज रिएक्शन कराएंगे तब अलग होगी, देखते हैं बेटा। हर रिएजेंट का अपना मतलब है, समझ लो, RMGX का अलग अपना मतलब है, जब कोई दूसरी मेटल ले लो उसका अलग मतलब है, हर मेटल का अलग अलग मतलब है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर कोई भी मेटल ले लो, कैल्शियम ले लो, ऐसा नहीं चलेगा, बहुत सारे फैक्टर वर्क करते हैं बेटा, स्टेबिलिटी, यील्ड, बहुत सारे फैक्टर वर्क करते हैं कोई भी रिएक्शन होने के लिए। सर इस रिएक्शन के बाद फिर MgX का क्या होगा? वो निकल जाता है, MgOHX बना देगा, यहाँ पे फिनोक्साइड लग जाएगा, MgO फिनोक्साइड लगा लेगा। ओके सर ठीक है। अब देखो जैसे मैं कुछ रिएक्शंस पढ़ाता हूँ यहाँ पे, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इनको याद भी रखना, सारी एल्कीन की भी कुछ रिएक्शन है यहाँ पे इम्पोर्टेंट रिएक्शन, या आप जनरल रिएक्शन ऐसे भी याद रख सकते हो, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। बुर्ज रिएक्शन है ना, बुर्ज रिएक्शन, इसकी रिएक्शन यदि हम एनी ईथर से करा दें, एल्काइल लाइट की रिएक्शन किससे करा दें, एक्स क्या हैलोजन है तो क्या बनता है, एल्काइल, डाई एल्काइल बनाने का मेथड है, ये भी क्या है आपका एल्कीन बनाने का मेथड है, इतना क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें होता क्या, इस तरीके से रिएक्शन होती है, देख लेना यहाँ पे, आपको मैं लिखने का तरीका बता देता हूँ क्या हुआ यहाँ पे, देखो ये एक्स टू निकल जाएगा और क्या बना देगा, आर आर बना देगा, ठीक है। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। अब देखो, अब हम यदि बात करें यहाँ पे और देख लेते हैं थोड़ी सी रिएक्शंस, याद रखना इस बात को, ठीक है, क्या है बाद में ही कराएंगे, अभी छोड़ो, अभी इस बुर्ज रिएक्शन याद, क्या नाम है सर इसका, बुर्ज रिएक्शन सर एक बार लिख दीजिए, इसको बोलते हैं बुर्ज रिएक्शन, बुर्ज खलीफा वाला नहीं, बुर्ज रिएक्शन बोलते हैं। कुछ बहुत कमी रिएक्शन है इसकी। अब एक और रिएक्शन पढ़ते हैं अपन, कोरे हाउस सिंथेसिस, एल्केन बनाने का मेथड है, ठीक है ना, बहुत कमी रिएक्शन है एल्केन की, बहुत ही कम, इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी भी बहुत कम, एक तो ही रिएक्शन है, ज्यादा नहीं, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन ही पढ़ते हैं और कोई रिएक्शन नहीं। सर सोडियम कहां जा रहा है इसमें, क्या वो NaX बना देता है यहां, कोरे हाउस सिंथेसिस, देखो यहां पे सिंथेसिस, तो किसे बोलते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस, देख लेते हैं आपसे, देखो अच्छा इसको आप इसकी प्रैक्टिस करा देते हैं पहले, इसकी चलो थोड़े से क्वेश्चन करना ऊपर वाले बुर्ज रिएक्शन के, मैंने प्रैक्टिस नहीं कराई है, CH3Cl NaEtha करा दो, बनाओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिर उसको स्टार्ट CH3 बनेगा और Cl2 बन जाएगा, क्या बनेगा NaEtha करा दो, क्या बनेगा बताओ, ऊपर क्या बनेगा इथेन, नीचे बन जाएगा ब्यूटेन प्लस 2 NaCl,
उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे इतने ध्यान मैं ना मैं मतलब है। अब देखो हम अब करा रहे हैं कोवे हाउस सिंथेसिस, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से करना, बहुत ध्यान से करना, ठीक है सुनो। अब क्या होगा यहाँ पे यदि हम बात करें कोवे हाउस सिंथेसिस की बात करते हैं तो देखो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, ये पूरी सिंथेसिस है याद रखनी पड़ेगी, ये बनता है लिथियम से पहले कराते हैं लिथियम मेटल से रिएक्शन, तो क्या बनता है यहाँ पे आर एल आई बनता है प्लस एल आई एक्स बनता है। आर एल आई कैसे बोलते हैं एल्काइल लिथियम, सुनना यहाँ पे एल्काइल लिथियम। अब क्या होगा यहाँ पे इस एल्काइल लिथियम की रिएक्शन, ध्यान से सुनना, इस एल्काइल लिथियम की रिएक्शन क्यूप्रस हैलाइड से कराते हैं, किससे कराते हैं क्यूप्रस हैलाइड से, तो क्या बनता है तब यहाँ पे बनता है आर टू सी यू माइनस एल आई प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनता है डाई एल्काइल, ध्यान से सुनना डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, लिथियम क्यूप्रेट, लिथियम क्यूप्रेट। अरे सी यू एक्स क्या, कहाँ सी यू एक्स, क्यूप्रस एलाइड, एक क्यूप्रस होता है एक क्यूप्रेक होता है, क्यूप्रेक जानते हो किसे बोलते हैं सी यू प्लस टू। अब हम यदि इसकी रिएक्शन, ये भी कैसा है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, देखो बेटा आप लोग पूछे थे ना ये भी ऑर्गेनोमेटालिक है, देखो अब इसकी रिएक्शन यदि हम एल्काहैलाइड से कराएं तो देखो क्या होता है यहाँ पे ये इस पे अटैक करता है ये यहाँ निकल जाता, तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे एक बात ध्यान रखना एल्काहैलाइड जो लेते हैं वो कैसा लेते हैं ओनली प्राइमरी, हमने बताया था आपको प्राइमरी एल्काहैलाइड सेकेंडरी एल्काहैलाइड टर्शियरी एल्काहैलाइड, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका आर आर डैश बन जाएगा, कैसा बन जाएगा आर आर डैश बन जाएगा, मतलब क्या बन गया डाई एल्काइल बनाने का मेथड। एक बात ध्यान रखना इस मेथड से आप सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ही बना सकते हैं, सिमेट्रिकल एल्किन सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल एल्किन, अनसिमेट्रिकल एल्किन एल्केन कैन बी फॉर्म्ड कैन बी फॉर्म इन दिस मेथड, लिख लो सर यहाँ पे जो सी यू एक्स डैश है तो वहां पे हेलोजन अलग होना चाहिए, ले सकते हैं सेम भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है मैं तो लगा दिया एक्स डैश, आप सेम भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं, सी यू सी एल भी ले सकते हो, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको सी यू सी एल ही लूंगा। ये डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट के साथ हुआ क्या जो यहाँ पे आपने एरो लगा रखे हैं उससे समझ नहीं आया, ये इसका क्या हुआ इस नेगेटिव चार्ज इस वाले ने किस पे अटैक किया, इस वाले पे अटैक किया, जब इस पे अटैक किया तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे क्या लग गया आर आर डैश लग गया। सर वो डाई एल्काइल कैसे बन गया बेटा, यहाँ बैलेंस कर लो यार, है ना यहाँ पे बैलेंस कर लोगे ना तो आपका सॉल्व हो जाएगा, लेकिन सर यहाँ पे तो आर टू है वहाँ पे एक ही आर लगा हुआ है जाके, कैसे सर यहाँ पे तो आर टू है ना डाई एल्काइल आर टू लेकिन वहाँ पे तो एक आर लगा हुआ है, ये बात भी सही है, तो yes, उसको बैलेंस कर लो, सर मतलब टू लेना पड़ेगा फिर, टू लेना ही पड़ेगा, तो अब क्या देखो बना क्या हुआ, मैं आपको अच्छा साइड प्रोडक्ट भी बता देता हूँ यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे साइड प्रोडक्ट बना हुआ है आर सी यू और एक बना हुआ एल आई एक्स, अब शायद क्लियर हो जाएगा। सर टू क्यों ले जब वन से काम चल रहे हैं, तो यहाँ पे बेटा टू नहीं यहाँ पे बना ना, यहाँ पे दो लिए होंगे दो मोल आ रहे होंगे ना एक्सेस में, है ना, ये तो आपने जब टू प्लस एलाइट लिया तो क्या बना आपने यहाँ पे क्या जोड़ दिया आर टू सी यू माइनस, अच्छा एक ऐसे भी देख सकते हो आप यार, यदि यहाँ पे सी यू प्लस है एल्काइल के पास भी क्या प्लस चार्ज है, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई बैली नाइन्थ में पढ़ा होगा ना बैलेंस ही वाला खेल, यस सर, तो आप वैसे भी देख सकते हो, ओके सर।
और सर यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी ही होना क्यों चाहिए? बेटा यदि आप सेकेंडरी टर्शियरी ले लो तो एलिमिनेशन करने लगता है। अभी आप पढ़ोगे 12th में SN1 SN2 पढ़ोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो SN2 होती है। कैसी होती है रिएक्शन? SN2 है ना। और जो SN2 फेवरेबल होता है तो उस केस में आपको प्राइमरी ही सबसे ज्यादा फेवरेबल कंडीशन होती है। आप सेकेंडरी टर्शियरी लोगे तो इस केस में आप पढ़ोगे, आप कोई किताब पढ़ोगे तो आपको पता भी चलेगा, चाहे बुर्ज रिएक्शन हो चाहे ये रिएक्शन हो, जब आप सेकेंडरी टर्शियरी लोगे तो उस केस में एल्किन भी मतलब एलिमिनेशन भी होने लगता है। क्या होने लगता है? एलिमिनेशन, मतलब आपका एल्किन प्रोडक्ट भी बनने लगता है, साइड प्रोडक्ट। ओके सर, इसीलिए लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, आपको ये बस याद रखना मैकनेम R2 यहाँ पे और कहीं लगाना नहीं, मैकनेम याद रखना है, मैकनेम में आता है डाई एल्काइल समझने के लिए, ठीक है ना? ठीक है, और कहीं नहीं आता। SN2 क्या है? बस मैं इसीलिए नहीं बताता हूँ, SN2 बोले तो इसको अभी आप पढ़ो, SN2 मैकनेम होता है, अभी याद रख लो, उसने डाउट पूछा था इसलिए मैंने बता दिया। 12th में सबसे पहले मैं यही पढ़ाऊंगा, SN1 SN2 E1 E2। आगे बढ़ते हैं, तो देखो जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं अपन सिंपल सा, क्वेश्चन छोड़ो बाद में करेंगे, एक और मेथड पढ़ते हैं, कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखो कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, देखो कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, आप सॉल्ट ले लो COONa और आप COOK ले लो, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट के, सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट ले लिए, इससे क्या पास करा दो आप? इलेक्ट्रिसिटी पास करा दो। जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ तो क्या बनेगा यहाँ भी? डाई एल्काइल बनाने का मेथड, एल्किन बनाने का मेथड है। क्या? एल्किन बनाने का मेथड है, ठीक है। अच्छा अब जैसे आप हुआ कैसे, आप ये सोच रहे हो यहाँ पे कैसे, देखो आपने एक चीज इलेक्ट्रोलिसिस आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा है ना, NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, आपने थोड़ा बहुत रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा इलेक्ट्रोलिसिस, बोलो। नो सर। है? आपने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा है? अभी नहीं पढ़ा, 12th में जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा, तो मैं लेकिन फिर भी आपको दिखा देता हूँ, थोड़ी मैकनेम समझाने की कोशिश करता हूँ। सर ये COONa और क्या लिया दूसरा? COOK। सर ये क्या है? अरे सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट है बस। ओके सर, आप जब जैसे मान लो मैकेनिज्म में क्या होता है, अभी याद रख लेना कैथोड पे क्या जा रहा है, एनोड पे क्या जा रहा है, ये हम सब रिडक्शन पोटेंशियल से देखते हैं। तो कैथोड पे जो था, ध्यान सुनना, कैथोड, तो कैथोड में क्या था बेटा, कैथोड पे क्या गया? वाटर गया, H2O गया है ना, तो और यहां से क्या रिलीज हुई? हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई +2OH में, इस तरीके से याद रखना, ठीक है। अभी एनोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा? अच्छा ये देखो, ये तो आपके चले गए, यानी सोडियम पोटेशियम सॉल्ट है, आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की होगी तो क्या बना हुआ? RCOO- Na+ या K+, ये तो बना हुआ, बोलो। Yes. अब ये क्या करेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ठीक है ना, तो देखो आपका क्या बनेगा, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, सिंपल सा फंडा है, यदि आप करना चाहो तो देखो यहां से भी ऐसे भी कर सकते हो। एनोड पे क्या होगा, ये था, ठीक है। अब क्या हुआ यहां पे, इस ये दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कैसे लेगा? RC OO दो है ना, O- +2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से ध्यान रखोगे। अब क्या होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो क्या बनाएगा, तो देखो जैसे ही, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा आपका, CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे जनरली होमोलिसिस हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर कैसे आ गया, क्या ऊपर माइनस चार्ज कैसे आ गया बेटा? ये ब्रेक होगा तो किसमें जाएगा बताओ? O- -NA+। क्लियर हो गया, दो ही होंगे ना ऐसा, तो फिर सर उससे पहले वाले में भी ऊपर माइनस होने चाहिए ना सर? अभी लगा दिया लो बस, खुश। यस सर।
अच्छा ये माइनस टू इलेक्ट्रॉन, अब देखो क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या हुआ, होमोलिसिस होगा, क्या हुआ होमोलिसिस, होमोलिसिस समझते हो क्या बोलते हैं, होमोलिसिस ऐसा होता है जैसे मान लो दो है एटम है ठीक है, इनके पास इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा या अपना पार्टिकल ले लेगा ये अपना, और जब भी होमोलिसिस होगा, जब भी होमोलिसिस जब भी होगा आपका, तो हमेशा क्या बनेगा फ्री रेडिकल बनता है, क्या बनता है यहाँ पे फ्री रेडिकल, इतना ध्यान रख लोगे या नहीं रख लोगे, क्या बनेगा फ्री रेडिकल, जैसे ही होमोलिसिस हुआ यहाँ पे एक तो क्या निकल गई फ्री रेडिकल बन गया प्लस CO2 गैस क्या हो गई इवॉल्व, ये क्या निकल गया CO2 के रूप में, समझ रहे हो यहाँ पे क्या बन गया बोलो CO2। अच्छा अब ये क्या बनेगा, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे दोनों फ्री रेडिकल, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका एल्केन, सर यहाँ पे जो टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस हो रहे हैं वो आए कहाँ से, ये ऊपर वाले से, ये निकले वाटर से, सर लेकिन वो तो वाटर ले रहा है ना, वो तो है तो सीमें, जब आप कैथोड एनोड ले रहे हो ना, यदि आप सॉल्यूशन ले रहे हो तो वहाँ पे कैथोड भी है एनोड भी है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कहाँ होंगे सॉल्यूशन में ही तो होंगे बाहर होंगे, ये सर हुए सॉल्यूशन में लेकिन सर वो तो वाटर ने ले लिया अपने अंदर, तो वही तो इसका ऑक्सीडेशन ही तो कर रहा है, यदि देखा जाए तो CO2 निकल गया ना, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया ना, जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन लिया यहाँ पे क्या हो गया होमोलिसिस हो गया, इसने क्या बना लिया यहाँ पे उसने CO2 बना लिया, CO2 इवॉल्व हो गई और फ्री रेडिकल बना लिया, इसने आपस में क्या कर ली रिएक्शन करके क्या बना लिए दोनों, जब होमोलिसिस ये भी फ्री रेडिकल ये भी फ्री रेडिकल आपस में क्या बना लिए बॉन्ड बना लिए, सर दोनों में फिर इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक्चुअली यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या होगा, आप ऐसे समझ सकते हो, यदि मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो सिंपल शब्दों में आप ऐसे भी समझ सकते हो, एनोड पे भी देखो और अच्छे से समझा देता हूँ उसको, अच्छे से ही समझा सर, समझ गया क्या हो रहा है, देखो ये हो रहा है एक्चुअली, आप यहाँ से देखो फिर से, वो इलेक्ट्रॉन उसने उससे नहीं लिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिए, देखो यहाँ पे ये बना, अब क्या हुआ जैसे इसको आपने इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही तो यहाँ पे क्या बना ये सी डबल बॉन्ड ओ ओ बन गया प्लस और यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये कैसा हो गया न्यूट्रल हो गया, अब क्या हुआ यहाँ पे होमोलिसिस हो गया, क्या हो गया होमोलिसिस, और जैसे ही होमोलिसिस होगा इसका तो बताओ क्या बनेगा बोलो रेडिकल प्लस CO2 CO2 गैस बॉन्ड, अब क्या मिल जाए ये आर आर क्या बना लेंगे बॉन्ड, सर CO2 एक ही वाल होगी उसकी दो तो मोल हो जाएगी CO2 उसको बैलेंस कर लो यार, सर लेकिन सर CO2 के पास भी तो एक इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा, ऐसे नहीं बचेगा ना, दो मोल लिए थे ना हमने यहाँ पे, ये भी दो ही चल रहा है सर, लेकिन फिर CO2 बॉन्ड थोड़ी बना रहा है आपस में, CO2 बॉन्ड नहीं बना रहा लेकिन इसने तो अपना इलेक्ट्रॉन सी डबल बॉन्ड ये तो CO2 तो बना लिया ना इस तरीके से, जब ये दो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसके पास भी क्या है, इसके पास भी तो अभी इलेक्ट्रॉन बढ़ा ही है ना फ्री रेडिकल, तो इसके पास भी होगा वापस में क्या बना ले बताओ सर, ओ के पास फ्री रेडिकल कहां से, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कहां से बचेगा, देखो बेटा ऐसे समझ सकते हो, आपको मैं कैसे समझाऊं यहां पे इस तरीके से, आप पूछना क्या चाह रहे हो समझ नहीं बेटा, सर ये CO2 मतलब बनेगी कैसे, क्योंकि एक कार्बन के पास एक अकेला इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, उससे मतलब नहीं है, ये जब आपका बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये आप ऐसे समझ सकते हो, तो देखो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्या हुआ यहाँ पे, जब होमोलिसिस हुआ ये दो R बने ठीक है और प्लस और क्या मिल जाए CO2 निकल ही गई, पूरी गैस निकल गई CO2 बना दिया इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, यस सर, सर इसमें ये डाउट है कि ये मतलब अगर ये होमोलिसिस हुआ है तो एक इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड का आर के पास गया होगा और एक इलेक्ट्रॉन के पास गया होगा सी के पास, तो सर सी के पास एक इलेक्ट्रॉन तो रहना चाहिए ना अकेला, कैसे सर, जैसे ये फ्री रेडिकल बना था आर टू आर का एक फ्री रेडिकल बना था वैसे सी को भी तो फ्री रेडिकल बनना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन सी के पास होना चाहिए, लिखो मैं बताता हूँ यार और अच्छे से समझाता हूँ, पहले लिखो उसको, सर लिख लिया सर, एक बार पिछले वाले पे कर दीजिए,
सर वो जो दो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से है सर? वही तो वो पूछ रहा है कहाँ से, वही तो मैं बता रहा हूँ, दो इलेक्ट्रॉन आप कैसे तुम्हें समझ तुमने एक तो क्या है ना अभी वो भी नहीं पढ़ा ना रिडॉक्स में तुमने इलेक्ट्रोलिसिस नहीं पढ़ा थोड़ा भी नहीं पढ़ा सर सर ने दो क्लासेस में चैप्टर खत्म करवा दिया था रिडॉक्स का यस सर नहीं पढ़ाया यस ये भी नहीं पता हुआ कैथोड पे रिडक्शन होता है या एनोड पे सर ये तो पता है कैथोड पे रिडक्शन एनोड पे ऑक्सीडेशन यहां पे क्या हो रहा है बताओ सर एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तो समझ आ गया कि वो आर सी ओ नेक तो वो उसमें से टू इलेक्ट्रॉन चले गए सर लेकिन ये फ्री रेडिकल वाली बात समझ नहीं आई इसने आपस में क्या बना लिया होगा बताओ ऐसा कुछ समझ सकते हो बोलो सर ओ के पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया आप कैसे ओ के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो पड़े ही है ना इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है अभी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो की है अभी कितने बचे हैं छह होते हैं पांच पांच ही तो है अभी दो तो अभी इसके पास पांच बचे हैं अभी इलेक्ट्रॉन यस सर क्या किया ये वाला यहाँ इसने ओके सर हाँ आ गया इस तरीके से समझ सकते हो तो मैं बॉन्ड मुझे बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन बतानी पड़ गई है ये मान लो सर मैं समझ गया ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं जैसे देखो एक बात ध्यान रखना इसके इसके मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ आप कभी भी कोल भी इलेक्ट्रोलिसिस करोगे कभी भी एक बात ध्यान रखना यहाँ पे जैसे मान लो हमने पोटेशियम ये ले लिया ठीक है इसके जो साइड प्रोडक्ट भी बनते हैं इसका एक ड्रॉबैक भी इसके क्या बनते हैं साइड प्रोडक्ट भी बनते हैं जैसे मान लो मैंने इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया इसका तो कैथोड पे या ये भी पूछ लेगा कैथोड पे कौन सी कैसे बॉन्ड हो रही है बताओ ये क्वेश्चन आता है कौन सी हो रही है हाइड्रोजन एनोड पे CO2 इस बात को ध्यान रखना कैथोड पे कौन सी कैसे बॉन्ड हुई थी वहां पे ये क्वेश्चन पूछ लेता है वो हाइड्रोजन एनोड पे कार्बन डाइऑक्साइड अब देखो अब जैसे आप इसका ये कराओगे सी डबल ओ एन ए कराओगे तो इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया आपने तो देखो तो यहाँ पे मेजर तो अभी क्या बन रहा है ध्यान सुनना मेजर क्या बन रहा है बोलो ब्यूटेन लेकिन इसमें माइनर भी प्रोडक्ट बनते हैं बेटा ध्यान रखना इस बात को इथीन भी बनता है याद रखना इस बात को ध्यान रखना ठीक है यहाँ पे एल्केन भी बनता है CH3 ये माइनर प्रोडक्ट होते हैं क्या होते हैं माइनर सर ये कैसे बने बेटा फर्दर यहाँ पे एलिमिनेशन भी हो जाता है CO2 भी वर्ल्ड हो जाती है ऑक्सीडेशन हो गया उसका फिर से तो कुछ हद तक ऑक्सीडेशन भी हो गया तो CO2 निकल गया सीधे CO2 निकल गया यहाँ भी होमोलिसिस तो हो सकता है डायरेक्ट हो गया होमोलिसिस डायरेक्ट CO2 निकल गया Na+ निकल ही गया था तो साइड प्रोडक्ट भी बनते हैं सर वो ऊपर वो टू इलेक्ट्रॉन वाला तो समझा दीजिए वही तो मैं बता रहा हूँ ये देखो ये इलेक्ट्रॉन था ये यहाँ आया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ तो इनने आपस में क्या बना लिया इलेक्ट्रॉन ही फ्री रेडिकल बोलो आपस में क्या बना लिया बॉन्ड बना लिया तो क्या निकल गई यहाँ पे CO2 निकल गई और फ्री रेडिकल R बच गया ओके सर सर ये जो सोडियम का सॉल्ट है वो हमेशा एक्सेस में लेंगे हम या मोल्स में नहीं नहीं मोल्स में ले मोल्स में भी ले सकते हैं एक्सेस में वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा हमें कौन सी कंडीशन ले रहे हैं तो अगर मोल्स में लेंगे तो फिर तो यहाँ पे कार्बन प्रोडक्ट साइड कार्बन ज्यादा दिख रहे हैं तो वो डिपेंड करेगा बेटा वो डिपेंड करेगा यस सर वो जो H2O के साथ टू इलेक्ट्रॉन्स थे वो कौन से थे वो तो बेटा निकले थे कैथोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन है रिडक्शन रिडक्शन तो रिडक्शन ही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है सर ये मतलब
अभी आप याद रख लो, अभी आप याद रख लो, 12th में जब मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से बताऊंगा कैथोड पे रिडक्शन, बहुत सारी रिएक्शन करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस बहुत सारे, NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलिसिस, मैं बहुत सारे इलेक्ट्रोलिसिस कराऊंगा, अभी तुम याद रखो। सर यहाँ से जो दो इलेक्ट्रॉन निकले थे वही तो H2O के पास गए हैं। हाँ ऐसा भी मान सकते हो, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। अभी आप याद रख लो ये रिएक्शन होती है, जब आप 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराता हूँ, वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी पढ़ाऊंगा, वहाँ पे मैं आपको इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन आते हैं, कितने मोल हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है या कितने मोल हमें CO2 गैस मिल रही है, ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं वहाँ पे कराऊंगा, पहले अपन इलेक्ट्रोलिसिस ही पढ़ेंगे वहाँ पे, ठीक है। अब यही दो तीन मेथड थे, कोडेआउट सिंथेसिस और आपका एक था कौन सा सिंथेसिस, बोलो बोलो, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस, बुर्ज रिएक्शन, ये तीन मेथड थे। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि बच्चे लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं, बहुत ज्यादा पूछते हैं। पहली रिएक्शन है इसकी प्रॉपर्टी, मैं अभी फिजिकल केमिकल पढ़ा रहा हूँ, फिजिकल में कल कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किन। मैं सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट एक ही रिएक्शन है इसकी, हेलोजिनेशन ऑफ एल्किन, क्या होती है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। तो देखो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन लिखते हैं यहाँ पे क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना है ये रिएक्शन। ये रिएक्शन होती है, इसको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं, देखो या फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो क्या हुआ यहाँ पे, जब हम एल्केन की रिएक्शन H2 इन प्रेजेंस ऑफ HNU कराएंगे तो क्या बनता है, RH+HX बनता है, ठीक है। यदि हम इसकी मैकेनिज्म लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मैकेनिज्म लिखते हैं, तो देखो H2 के बाद क्या लिखा है, स्लैश के बाद हाइड्रोजन HNU, लाइट, सनलाइट, इसको आप सनलाइट या पढ़ा हुआ ना आपने, हाँ हाँ, हाँ, मैकेनिज्म। तो देखो RX आना चाहिए ना कहाँ पे, अरे हाँ RX, इसको मैं सही कर देता हूँ, क्या आएगा यहाँ पे RX, ठीक है। अब देखो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, तो तीन स्टेप में मैकेनिज्म होती है, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, चेन इनिशिएशन स्टेप। तो चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा, चेन इनिशिएशन स्टेप में होगा, पहले में हेलोजन सनलाइट से रिएक्ट करके क्या बना देगा, 2x रेडिकल बना देगा। आपको समझ में आ रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, हमेशा होमोलिसिस होगा, याद रखना। तो इसने अपना फ्री रेडिकल ले लिया, इसने अपना फ्री रेडिकल ले लिया, तो यहाँ पे क्या बना, फ्री रेडिकल। दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरा स्टेप होता है चेन प्रोपागेशन स्टेप, क्या होता है, चेन प्रोपागेशन स्टेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो चेन प्रोपागेशन स्टेप में क्या होता है, यहां पे पहले RH पे कौन अटैक करता है, एक्स रेडिकल अटैक करता है, तो देखो क्या बनेगा, एक तो बनेगा आर रेडिकल प्लस एक बनेगा HX, ठीक है। अब देखो, अब इस R रेडिकल पे कौन अटैक कर देगा, X रेडिकल अटैक कर देगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे RX बन। अच्छा आपको पता है जिस स्टेप में इंटरमीडिएट बनता है वही स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप होता है, और कैसा होता है, डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। अच्छा अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, चेन टर्मिनेशन स्टेप, तो नाम से ही पता चल रहा होगा, है ना, क्या चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, तो टर्मिनेटिंग स्टेप थर्ड में, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। तो देखो यहाँ पे क्या बचे, जो आपस में बचे हुए हैलोजन वो क्या कर लेंगे, आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, H2, मतलब फर्दर रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी। अच्छा इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या बन रहा है, फ्री रेडिकल, और यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, तो कौन सी रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, याद रखना डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब भी हमेशा कभी भी आपको AA मिल जाए और इसकी हम सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं तो क्या बनता है, 2A रेडिकल बनता है, मतलब हमेशा क्या होगा, होमोलिसिस होगा। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ऑलवेज होमोलिसिस, क्या हुआ, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट बहुत सारे टर्म्स है, ऑलवेज ऑलवेज होमोलिसिस, क्या होता है, हमेशा होमोलिसिस। अच्छा एक बात बताओ जब इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, ये क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, याद होगा आपको, कैसे देखते थे हम, हाइपर कॉन्जुगेशन से, किससे देखते थे, हाइपर कॉन्जुगेशन से, बोलो, हेलो,
सर तो यहाँ पर भी अरेंज रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा पीरियडिक सिर्फ होमो सिर्फ कार्बोकैटायनिक के केस में होता है। और सर जो आपने यहाँ पे वो लिखा है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो किसके लिए लिखा है? ये रिएक्शन का नाम है इस पूरी रिएक्शन फिर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट ही तो हो रहा है क्या हो रहा है पहले फ्री रेडिकल बना सब्स्टिट्यूशन ही तो हो रहा है यहाँ पे ठीक है अच्छा तो पूरी रिएक्शन क्या बोले फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या बोलेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अच्छा यहाँ पे कौन सी रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हमेशा क्या होगा होमोलिसिस होगा। अच्छा एक बात बताना तो एक बताओ टर्शरी हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन और प्राइमरी हाइड्रोजन में रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? प्राइमरी हाइड्रोजन। अरे भाई सोच समझ के बोलो बच्चा टर्शरी की किसकी होगी ना क्यों टर्शरी वाले हाइड्रोजन से क्या मिलेगा अपने को टर्शरी फ्री रेडिकल बनेगा ना देखो यहाँ पे कौन सा फ्री रेडिकल बन रहा है टर्शरी टर्शरी बनेगा और सेकेंडरी वाले से सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनेगा प्राइमरी वाले से प्राइमरी तो सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा हुआ टर्शरी तो रिएक्टिविटी भी कौन सी हुई टर्शरी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। कितना क्लियर या नहीं पहले बताओ सर सेकंड स्टेप दिखाना क्लियर नहीं हुआ है सर ये चेन टर्मिनेटिंग स्टेप क्यों हुआ सर आर पे रेडिकल क्यों आया ये समझ नहीं आया बेटा ये रिएक्शन चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी जैसे मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूं आप करो CH4 है इसका हमने क्लोरीनेशन कराया यदि हमने इसमें नहीं लिया ना कुछ तो ये रिएक्शन चलती जाएगी ये जब तक चलती जाएगी जब तक की हाइड्रोजन खत्म नहीं हुआ मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड ना आए सर तो यहां पे RX के बाद HX नहीं बनेगा सेकंड स्टेप में बेटा HX बन तो गया पहले HX बन तो गया ये आर रेडिकल बार बार HX बनेगा क्या सर आर पे फ्री रेडिकल कैसे बना तो ये वाला बॉन्ड कहां ये सिलेक्ट ये होमोलिसिस हो गया यहाँ पे क्या इस एक्स रेडिकल ने HX को ले लिया यहाँ पे HX बन गया और फ्री रेडिकल बन गया सर उधर 2x पे फ्री रेडिकल कैसे था इधर 2x पे तो देखो यहाँ पे 2x पे कैसे बना जब आप XX लोगे ये क्या बनेगा बताओ ये आपस में होमोलिसिस होगा हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x रेडिकल प्लस x रेडिकल तो ये कितने हो जाएंगे 2x रेडिकल सर ये लास्ट टर्मिनेटिंग स्टेप क्यों हुआ कौन सा बेटा इसलिए यदि ये यदि टर्मिनेटिंग नहीं हो तो रिएक्शन चलती जाएगी रिएक्शन खत्म ही नहीं होगी ये एक्चुअली पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो जाती है सर ये हैलोजन का फ्री रेडिकल आया कहां से वो दोनों तो खर्च हो चुके थे ना जो पहले थे आए हैलोजन तो उसमें पड़े होंगे ना बहुत सारे सर वो टर्मिनेटिंग स्टेप बोलो बेटा सर फिर ऐसा तो हमारे पास एल्काइल चेन भी पड़ी हुई है फिर उसमें और भी सब्स्टिट्यूशन हो सकती है इनकी होती जाती है ना मैं वही तो बता दूं CH4 को आप जब क्लोरीन लेते जाओगे तो क्या होगा तो आप वहां पे कार्बन टेट्राक्लोराइड जब तक कि हाइड्रोजन सारे रिप्लेस नहीं कर देगा और फिर जो बचेंगे वो फिर अपना X2 बना लेंगे यही तो बात है इसीलिए तो जो बचेगा वो आपस में रिएक्ट कर जाएगा ओके सर सर वो यहाँ पर रिएक्शन एंड हो रहा है इसीलिए इसको टर्मिनेटिंग स्टेप हो रहा है एंड खत्म हो रहा है अब इम्पोर्टेंट बात सुनो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना अब इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात अब एक बात ना फ्लोरीन रेडिकल क्लोरीन रेडिकल ब्रोमीन रेडिकल और आयोडीन रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल कौन हो रहा है आयोडीन पे या फ्लोरीन पे सबसे ज्यादा स्टेबल किस पे होगा बोलो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ साइज किसका ज्यादा है बोलो आयोडीन स्टेबल सबसे ज्यादा कौन होगा ड्यू टू साइज इसकी वजह से साइज की वजह क्यों देखो सिंपल सी बात जितना बड़ा साइज होगा उसको उतना आसानी होगा ना रखने में रिपल्शन कम होगा बोलो अच्छा रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी फ्री रेडिकल जो फ्लोरीन का है ना क्लियर हो गया अब देखो अब हम क्या करते हैं जैसे मान लो आपने फ्लोरीन ले लिया क्लोरीन ले लिया ब्रोमीन ले लिया आयोडीन ले लिया इसकी एप्लीकेशन अभी कल करेंगे बहुत इसके एप्लीकेशन है तो देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती फ्लोरीन की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी
इतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होती है फ्लोरीन की कि क्या होता है हाईली एक्सप्लोसिव होता है, क्या होता है एक्सप्लोसिव, क्या होता है एक्सप्लोसिव, इसीलिए मतलब हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, कैसी होती है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जब हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी ठीक है ना, इसीलिए हम किसी भी रिएक्शन में डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कराते हैं, आरएफ आप डायरेक्ट नहीं बनाओगे कभी भी ठीक है, आयोडीनेशन आप कराओगे तो कैसा होता है बहुत ही स्लो होता है, क्या होता है बहुत ही स्लो होता है, बोले स्लो बोले तो आप देख सकते हो यहाँ पे है ना, यहाँ पे हम स्लो की बात कर रहे हैं तो देखो आपकी स्लो की बात कर रहे हैं, RH का जब आप एच आई किससे आई टू इन प्रेजेंस ऑफ एच न्यू कराओगे रिएक्शन तो क्या बनेगा RI प्लस HI बनेगा। अब देखो एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे जो HI है ये कैसा होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये कैसी रिएक्शन हो जाएगी रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी, कैसी हो जाएगी रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट मिला स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ये, तो ये क्या करते हैं इसीलिए जब हम इसका आयोडीनेशन कराते हैं तो हम उस केस में क्या यूज करते हैं यहाँ पे यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या यूज करते हैं यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पहले बताओ, तो हम ना तो फ्लोरीनेशन कर पाएंगे ना ही आयोडीनेशन कर पाएंगे, तो फिर कर पाएंगे हम या तो क्लोरीनेशन या फिर ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन कैसा होता है बहुत ही रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी क्लोरीनेशन की, लेकिन सिलेक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी ब्रोमिनेशन की। अब आप कहोगे सर सिलेक्टिविटी क्या होती है तो देखो याद रखना जैसे मान लो आप कोई भी कंपाउंड लोगे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ, आपने मान लो आपने ये कंपाउंड लिया CH3 CH2 CH3 इसका आपने क्लोरीनेशन किया, जैसे आप क्लोरीनेशन करो तो देखो ये वाला प्रोडक्ट भी बनेगा Cl, आपका ये वाला प्रोडक्ट भी बनेगा Cl, ठीक है पहला दूसरा। अब आप करोगे क्या इस केस में, ठीक है ये भी पहला हो गया दूसरा दो बनेंगे, लेकिन आप ब्रोमिनेशन करोगे तो वो अटैक कहाँ करेगा जहां पे सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनेगा, तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल कहाँ बनेगा बताओ बीच वाले कार्बन पे, तो ये कहाँ पे अटैक करेगा सेकेंडरी पे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं सिलेक्टिव, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो वहीं पे जाएगा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पहले बताओ सर, इसमें जो सेकंड वाला बना है वो कैसे बना है, ये जो फ्री रेडिकल की वो साइज बड़ा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा कैसे है, कैसे बेटा बेटा फ्री रेडिकल तो एक बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, यदि हम देख अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन रखने की जगह भी तो वहां पे साइज छोटा होगा, जब आप अनपेड इलेक्ट्रॉन लाओगे अंदर तो क्या होगा आपस में क्या होगा घमासान युद्ध होगा लड़ाई होगी, लड़ाई होगी मतलब लड़ाई बोले तो रिपल्शन होगा, जैसे साइज बढ़ता जाएगा तो उनमें क्या होगा रिपल्शन कम होता जाएगा, जब रिपल्शन कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी बताओ ज्यादा होती जाएगी। ऐसा मान लो जैसे एक रूम है, एक रूम में पांच लड़के रह रहे थे, अब मैं उसमें एक लड़का और ले आऊं, अब रह पांच सकते थे उसमें छह और ले आया एक और ले आया तो क्या वो रह पाएंगे, नो सर वही देखिए सर, ओके सर और बोलो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यही है क्लोरीनेशन क्यों नहीं करते, हाईली एक्सोथर्मिक होता है एक्सप्लोसिव होता है, और आयोडीनेशन कभी नहीं करते क्योंकि बहुत ही स्लो होता है, इसीलिए हम इसमें क्या यूज करते हैं यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसका यूज करते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं। सर क्लोरीन वाला रिएक्शन दिखाना सर, इसमें मेजर राइट साइड वाला होगा ना, मेजर राइट साइड वाला होगा। अच्छा जैसे मान लो मैं इसका ब्रोमिनेशन कर रहा हूं तो बताओ भाई कहां ब्रोमीन अटैक करेगा, सर उसमें वो दो कैसे बन गए सर, आपके मिथाइल जुड़ा हुआ है, बनेंगे इसमें भी दो लेकिन बहुत कम बने, वो 5-7% बनेगा दूसरा वाला तो सिलेक्टिव है, यही ज्यादा अटैक करेगा सेकेंडरी वाले, तो सर वो दूसरा वाला मेजर होगा कौन सा इसमें ऐसा हम देखो एक्चुअली जो अभी तुम्हारे लेवल पे तुम अभी याद रखो दूसरा वाला मेजर होगा, क्योंकि यहां भी डाटा होता है जब आप रिएक्टिविटी का अंतर आता है ना इन क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, मतलब आप रिएक्टिविटी देखेंगे तो 1600 टाइम्स डिक्रीज हो जाती है टर्शियरी हाइड्रोजन की ब्रोमिनेशन के केस में, तो उस केस में वो बहुत ही सिलेक्टिव हो जाता है, वो चूजी हो जाता है ना कि कहाँ हम वहीं जाएंगे जहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी वहीं पे ब्रोमीन अटैक करता है, तो यदि बोला जाए
यदि प्राइमरी हाइड्रोजन भी है, सेकेंडरी हाइड्रोजन भी है, टर्शियरी हाइड्रोजन भी है, तो अटैक कहां पे करेगा? सीधा टर्शियरी हाइड्रोजन के पास करेगा। बोलो, इतना क्लियर? यस सर। जैसे और तुम क्वेश्चन कर लो, जैसे मान लो मैं आपको CH3 CH2 CH3 CH3, इसका मैं ब्रोमिनेशन करा दूं, बनाओ क्या बनेगा? इसका मैं क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन करा दूं तो क्या बनेगा? क्लोरीनेशन करा दूं, बताओ क्या बनेगा, है ना? इसका मैं ब्रोमिनेशन करा दूं तो बताओ क्या बनेगा? बनाओ क्या बनेगा? बना लिया। ऊपर वाला क्या बना? बोलो सर। उसमें हम Br कहीं भी जोड़ सकते हैं। वेरी गुड। यहाँ पे सर, यहाँ पे हम Cl कहीं भी जोड़ सकते हैं। बेटा पढ़ते जाओ, मैं डेली डेली रिएक्शन देख लो कितनी ज्यादा हो गई होंगी तुम्हारी। ये क्या यहाँ पे बनेगा बताओ? यहाँ पर ब्रोमिनम का बीच वाले जो दो कार्बन है उसमें से किसी को भी जोड़ सकते हैं। वेरी गुड बेटा। तो इतना क्लियर हुआ कि नहीं? पहले यहाँ तक बताओ, आप पूछो यहाँ तक, किसी को कोई डाउट हो क्वेश्चन बता दो सर। वो जो रिंग वाला है वो क्वेश्चन बता दो कैसे किया बेटा। यहाँ पे कौन सी डिग्री का होगा बेटा? यहाँ पे कौन सी डिग्री का वो फ्री रेडिकल बनेगा बताओ? ये हाइड्रोजन टर्शियरी फ्री रेडिकल बनेगा। अब बोलो, तो याद रखो, बताओ मुझे कोई बताओ, फ्लोरिनेशन डायरेक्ट क्यों नहीं करते हैं यदि क्वेश्चन आ जाए? एनीबॉडी? एक्सप्लोसिव होता है सर। एक्सप्लोसिव मतलब हाईली एक्सोथर्मिक खुद ही बताती है। एक्सिट मतलब जब एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। अब उसे क्या बोलेंगे बताओ? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और बताओ किसी को कोई डाउट? नो सर। सर जब मिथाइल शिफ्ट होती है फ्री रेडिकल में, जैसे कोई टर्शियरी टर्शियरी कंपाउंड है और उसके आगे एक CH2 पे फ्री रेडिकल लगा हुआ है और फिर मिथाइल शिफ्ट होनी है कि ताकि नहीं होगी बेटा। सर हो तो जाती है, हैं? वो कार्बो के टाइम में पढ़ा था बेटा आपने। सर फ्री रेडिकल में भी तो होती है, नहीं होती? वो सिर्फ कार्बो के टाइम की प्रॉपर्टी है। और सर चलो अच्छा, कार्बोकैटायन भी है, तो कार्बोकैटायन में भी जब वो पॉजिटिव चार्ज टर्शियरी वाले की तरफ जाना चाहेगी, तो जब मिथाइल शिफ्ट होगी तो उसमें सी एच थ्री माइनस शिफ्ट होगा या फिर सी एच थ्री प्लस शिफ्ट होगा? माइनस होगा ना। ठीक है, जैसे हाइड्राइड का शिफ्ट होता है। सर ये जो रिंग वाला क्वेश्चन है, इसमें एक मिथाइल है, दो मिथाइल होते तो फिर कैसा होता? तो कहीं भी ब्रोमीन लगा दो सर, वहीं पे दो मिथाइल होते हैं, वहीं पे जहां पे एक मिथाइल है। तो यहां जुड़ता ही नहीं वो, कैसे फिर यहां जुड़ता? क्यों नहीं जुड़ता यहां पे बताओ? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? चार। वहां पे नहीं हो पाता। और पूछो किसी को डाउट तो बताओ। अब तुम्हारा बचा है एल्काइन और एरोमेटिक कंपाउंड। कल अपन थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, मैंने अभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रोक दी थी सर। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी करनी है। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी करेंगे कल अपन, थोड़ी रिएक्शन करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ नहीं, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखना अपने को। इसका ऑर्डर बोलो, बॉइलिंग पॉइंट का, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन आता है वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज, वो दे पता है मोलर मास इंक्रीज, जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, जब उतना ज्यादा वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा उतना ही। बेटा देखो, आप लोग किताब पढ़ने पे ध्यान मत दो, आप लोग किस पे ध्यान दो बताओ? किस पे? नोट्स पर। क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान दो, पहले बता रहा हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करो, इतना टाइम वेस्ट मत करो। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप लोग अपना ये टाइम टेबल बनाओ, आप कुछ मत करो। नीट में कितने आते हैं बस आप ये बनाओ, 45 क्वेश्चन डेली के केमिस्ट्री के सॉल्व करने, 45 क्वेश्चन डेली के फिजिक्स के सॉल्व करने और 90 क्वेश्चन बायोलॉजी जूलॉजी बॉटनी में लाते हैं, बस इतना डेली के इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आप समझो, यदि आपने मान लो 10 दिन प्रैक्टिस की, मतलब 450 क्वेश्चन बोले तो एक चैप्टर कंप्लीट, मैक्सिमम 300-400 क्वेश्चन होते हैं किसी बुक में। ऐसे ही आप फिजिक्स में देख लो, आपको देखो कितना हो जाए कंटेंट, मतलब आप ऐसे समझो एक दिन में आप 45 कर रहे हो तो महीने के कितने हो गए देखो आप।
कितने हो गए 1300 यस सर 1350 1350 ठीक है अच्छा अब वो बताओ और आपने मान लगातार 6 महीने लगाए तो बताओ कितने हो गए एक बुक के बता रहा हूँ और इसमें तो दोगुने 8100 आप बताओ 8100 समझते हो तुम पूरी किताब तो नीट बचेगा निचोड़ जाएगा निचोड़ के फेंक दोगे नीट को तो वही अपने आप को इसी तरीके से ढालो मैं बता रहा हूँ आपको ये मत सोचो कि हम सुबह उठेंगे 4 बजे हम ऐसा टाइम टेबल बनाएंगे ये करेंगे वो करेंगे ये सब बस ये सोचो कि हमें डेली उठना है इतना मुझे करना है बस खत्म बात मैं इतना करके ही सोऊंगा या सोऊंगी समझे शुभम पीयूष यस सर प्रियांश है ना यस सर ईशिका देवेश इस बात को ध्यान रखो yes. चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में ठीक है अभी के लिए थैंक यू सो मच गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर